नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों हो जाइए सावधान, आपकी जान को खतरा है क्योंकि दुश्मन चल रही है एक नई चाल। अगले 7 दिनों में जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। जी हां वृश्चिक राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए आज की वीडियो को पूरा अंत तक जो नहीं देखेगा बाद में बहुत पछताएगा, और जो अंत तक देख लेगा उनके जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले सभी सच्चे शिव भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। भगवान शिव शंभु जी आपको सभी कष्टों से निवारण करेंगे और आपको देंगे एक नया जीवन। जी हाँ दोस्तों, तो आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन से दुखों की यात्रा निकलने वाली है, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिससे आप इस घटना को सालों साल तक याद रखोगे, क्योंकि अंतरिक्ष के ग्रह गोचर ने अपनी चाल को कुछ इस तरह से घुमाया है, कुछ ऐसा रूप धारण किया है जिससे इस राशि वालों के जीवन में कई सारे बड़े बड़े मोड़ लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, और कुछ ऐसे योग का निर्माण हो रही है जिससे आपकी जिंदगी को शानदार बनाने वाले हैं, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना होगा। आपको अपने घर के अगल बगल बुरे और नकारात्मक लोगों से संभल कर रहना होगा, क्योंकि कुछ नकारात्मक लोगों की नज़रें इतनी खतरनाक होती है कि वो लोग आपकी सफलता को, आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जी हाँ, वो लोग तरह तरह के माया जाल बिछाते रहती हैं आपको गड्ढे में गिराने के लिए। एक बात आप सभी लोग अपने जीवन काल में हमेशा नोटिस किए होंगे कि जब भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, जब भी आप किसी नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, तब ये लोग आपको परेशान किया करते हैं, आपके कार्य को भंग करने का प्रयास करते हैं। आज सभी बातों को बताएंगे, अंत तक देखिएगा। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अगले 7 दिनों के अंदर आपके साथ होने वाला है, क्योंकि अगले इन 7 दिनों के अंदर आप बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं, और तभी ये लोग उस समय आपकी कामयाबी में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। तब आपको उस समय मेरी बताई गई कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखनी है और समय समय पर इन बातों को, इन सावधानियों को उपयोग करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी दुश्मन आपके सफलता के रास्ते में अड़ंगे ना डाल पाए, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में हम महत्वपूर्ण सावधानियां बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप जीवन में होने वाले सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इन दिनों आपको जरूर लाभ होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम बहुत ही खास बात बताए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप अपने जीवन में लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार कोशिश पे कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, अभी तक आप सुख के मुंह नहीं देख पाए हैं, क्योंकि मेहनत करते करते फल मिलने की बारी आती है, सुख मिलने का समय आता है, तब कोई ना कोई बड़ा, कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ ही जाता है। अगर सब कुछ सही होता है तब कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं,
और फिर परेशान करने लग जाती हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी समस्याओं के लिए आप कई बार भगवान से भी जो है गुहार लगाए हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। आखिरकार ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, यहाँ तक आप अपनी समस्याओं को भगवान को भी कहते कहते आप थक गए हैं, लेकिन किसी ने आपकी सुनवाई नहीं की है। दोस्तों, समस्या आने पर अगर आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान तुरंत नहीं सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान के पास देर होता है परंतु अंधेर नहीं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप भगवान के पास जाकर अर्जी लगाकर चले आइए, आपकी सुनवाई आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप तुरंत फल खोजोगे तो भगवान के पास तुरंत फल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मिलेगा ज़रूर, बस आपको अपना मेहनत और प्रयास लगातार बनाए रखना होगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। घर में किसी सदस्य के विवाह संबंधित उचित रिश्ता आने की खुशी भरा वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी में भी निवेश की योजना बनेगी और किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान निकालें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। आर्थिक समस्याओं में बजट का ध्यान रखें, अन्यथा उधार लेने की नौबत आ सकती है, जो कि आपके सिरदर्द का कारण बनेगी। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी की खरीद परोस संबंधित डील करने की संभावना है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें, गुस्से में आकर गलत कदम ना उठाएं। प्राइवेट नौकरी में काम का दबाव अभी आपके ऊपर रहेगा। देखिए दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, यह समय राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप एक विशेष मुकाम हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होने से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। घर में कुछ रख रखाव और परिचित संबंधित योजनाएं भी बन सकती हैं। ध्यान रखें कि पिता या पिता समान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की अपमानित स्थिति उत्पन्न ना हो। कभी कभी किसी विषय पर ही गहराई से जाने की इच्छा आपको अपने विशेष लक्ष्य से भटका सकती है। शिक्षा संस्थान व बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। मेहनत ज़्यादा रहेगी, व्यवसायिक प्रतिबंधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। अपनी इच्छाएं सीक्रेट रखें, किसी को भी अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल बात शेयर ना करें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने का भी अवसर मिलेगा। जी हाँ, घर की सुख सुविधा व रख रखाव पर खर्च करके प्रसन्नता ही महसूस होगी। आपका कोई सपना साकार हो सकता है जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। वरिष्ठ लोगों से मान सम्मान की अवहेलना ना करें। फिलहाल किसी भी प्रकार के यात्रा को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। रुपये पैसे संबंधित लेन देन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण कागजात संभाल कर रखने की ज़रूरत है। कहीं पर भी आपको इस समय धोखाधड़ी के शिकार में नहीं फंसना है, अन्यथा आपकी जो है कमाया हुआ धन सब बर्बाद हो सकता है। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल रहेंगी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा कार्यों को शानदार तरीके से पूरा करेंगे। किसी भी तरह की डील करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी जरूर हासिल कर लें। ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर ज़्यादा गंभीर रहें। लोग आपको जो है गलत चीज़ों में लेकर जाने की कोशिश कर सकता है। आपकी छोटी सी गलती भी नुकसान दे सकती है, इसलिए काम पर आप अपना ध्यान फोकस रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। यह समय परिवारजनों के बीच कुछ मन मुटाव की स्थितियां बनेंगी, परंतु ध्यान रखें
कि घर की बातें बाहर ना निकलें, समय सुलझाने का प्रयास करें आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय मांसपेशियों में दर्द और चिंता की समस्या बढ़ सकती है और फिजियोथेरेपी और व्यायाम द्वारा काफ़ी हद तक परेशानियां कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी और माता रानी लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं आपकी मेहनत का फल देने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको समय के महत्व का पता चलेगा। जी हाँ, ये समय आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, समय बहुत बलवान है। इस समय ने अच्छे अच्छों को बदल कर रख दिया है। समय है खुद से बदल जाओ तो ठीक है, अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप समय को महत्व नहीं दे रहे हैं, समय को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में समय आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि समय भी अपना बदला लेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ग्रह सितारे आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने कल के शेष कार्यों को पूरा कर लें। अपने कार्यक्रम की योजना अपने परिजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं, ताकि बाद में कोई गलतफहमी या समस्या ना आए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, आज आप ऊर्जा और जिंदा दिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफ़ी समय से आप जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। जी हाँ, या तो पूरे शरीर की मसाज करवाएं, या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपका अपने जीवन साथी के साथ लगाव काम के दबाव के चलते कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं तो आपको उसी आकर्षण को वापस पाने की कोशिश करनी है, नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व नहीं है तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना। जी हाँ, आज का दिन अर्थ कार्यस्थल पर कुछ हद तक दबाव होगा, लेकिन आपको अपने जरूरी काम की अपेक्षा नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, अपनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने और सभी सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सावधान रहें। आज आप एक छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण गलती अपनी लापरवाही के कारण कर सकती हैं। जी हाँ, इसलिए दोस्तों, अगर आपका मन बाहर जाने का कर रहा है तो सबसे पहले अपने कार्यालय के लंबित कार्यों को खत्म कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी आप अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज को नीचे रखें। जी हाँ दोस्तों, पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ ज़रूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इस समय लड़ाई झगड़े वाद विवाद के संकेत मिल रहे हैं, आपको इस समय बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें हो सकती हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ सावधानियां रखने से आप आसानी से उनसे बच सकती हैं। जंक फूड भी ना खाएं, क्योंकि इससे पेट दर्द हो सकता है। आपको यह समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि आपके जीवन में तनाव का कारण आपके काम नहीं बल्कि आपका खाना है। जी हाँ दोस्तों, आप एक हेल्थ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको लंबे समय के लिए फ़ायदा होगा।
वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी। और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके कुछ रहस्य और डर है तो उनका भली भांति सामना करें। जी हाँ दोस्तों, उसके जड़ तक जाने का प्रयास करें कि आखिर इसका समाधान क्या है। जी हाँ, आपका साथी आपकी बातों को साझा करने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय चंद्रमा आपकी कुंडली में बिखर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्तों को काफी दूर तक लेकर जाएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी जो है मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवसर मिलेंगे जहां साझेदारी से कारोबार होता हो। जी हाँ दोस्तों, और आप एक दूसरे से सहायता करना प्रमुख था हो। वहीं दोस्तों, यह समय आप प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को संगठित करने के लिए भी प्रेरित करती हैं, जिससे कि आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और मान सम्मान आपको मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और आपके धन का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, यह समय आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि यह समय आपको दूसरों की बातों में नहीं लगना है। जी हाँ दोस्तों, लोग आपके पास आएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले, कहीं पर भी कदम रखने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके ही कदम रखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ,